इसको छुट्टा भी कर दिया अभी हमने, इसको इसके मार्किंग करना पड़ता है। मार्किंग क्यों करना पड़ता है कि इसको अपन बिठाने के टाइम पे, फिटमेंट के टाइम पे भूलना नहीं चाहिए। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, ये फिल्टर है, ये जाली है। देखिए अभी ये भी छुट्टा कर देंगे हम। ये निकाल दिया अभी चार बोल्ट। देखिए इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, इसके अंदर पानी आया है, पूरा जाम हो गया। ये भी छुट्टा कर दिया अभी हम, सही है ये भी। देखिए कैसे जाम हो गया, ये पूरा रस्टी हो गया पूरा। देखिए पूरा जाम हो गया, ये पानी आने की वजह से इसका हवा लीकेज होने का एयर। देखिए पूरा मट्टी आया पूरा इसके अंदर पूरा। अभी सब ये क्लीन कर देंगे। देखिए दोस्तों अभी हमने ये वॉशिंग के ऊपर लेके जाके क्लीन करके लेके आए पानी मार के से। देखिए अभी ये भी क्लीन करके लेके आए। देखिए पहले कितना जाम हो गया था ये, अभी देखिए कितना क्लीन दिख रहा है एकदम। अभी इसको हम फिटिंग करेंगे। देखिए अभी हमने इसको भी फिटिंग कर दिए। देखिए अभी ये फिल्टर बिठाने के टाइम पे ये स्प्रिंग और ये अंदर डालना चाहिए, नहीं तो तब तक ये फिटिंग नहीं होएगा फिर बराबर से। टेंशन नहीं रहता इसके ऊपर, ये अंदर डालेंगे, इसके ऊपर अभी फिल्टर बिठाएंगे हम। देखिए अभी हमने फिटिंग कर दिए, इसको प्रेस करना चाहिए ऐसा और थोड़ा दबाई, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग का टेंशन रहता, इसको ऊपर से प्रेस करना चाहिए या तो फिर नहीं बैठेंगे इसका थोड़ा। देखिए अभी हमने ये फिटिंग कर दिया, अभी इसके ऊपर का अभी जाली बिठाएंगे। देखिए अभी हमने ये बिठा दिया सब कुछ, इसके ऊपर की रिंग बिठाना कभी भी भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो हवा लीकेज होएगा इसका। तो इसका ऐसा गाड़ी चालू करेंगे हवा भरे जाएंगे ना तो ये निकल जाएंगे पूरा बाहर। ये देखिए अभी पूरा हमारा असेंबल तैयार हो गया, ये पूरा फिटमेंट हो गया। देखिए पूरा असेंबल हो गया। अभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही शेयर करें जिसको भी सीखना हो भाई लोग को हमारे।